तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली आज है 9 जुलाई और ऑलमोस्ट दोपहर का 12:15 हो गया। सो ये जो प्लेस है, इधर मैंने मेरा आरसी का भी मतलब जो है सेल करने के पहले इधर ही शूट किया था, और जिक्सर का भी इधर ही मैं शूट कर रहा हूँ। सो लगभग 2 महीने के बाद मैं अभी जिक्सर का भी, इससे पहले भी वीडियो में मैंने बोला जो है जिक्सर अभी सेल करने वाला हूँ, तो आज वो दिन है जिक्सर सेल कर रहा हूँ आज। सो मतलब 7.5 ईयर्स टुगेदरनेस विद दिस मशीन। तो मतलब मेरा मतलब लाइफ का पहला बाइक है, और मतलब 7 साल, 35,000 किलोमीटर एंड लॉट्स ऑफ मेमोरी विद दिस मशीन। इस मशीन से ही मैंने जो है सिक्किम राइड, मतलब जो जो राइड है मैं इस मशीन से ही शुरुआत किया था। हालांकि आरसी पे एक छोटा सा मतलब एक 1 डे 450 आसपास किलोमीटर राइड किया था। सो दिस इज़ द थिंग। एंड मैंने इससे पहले जो वीडियो में बोला नहीं था, जो मेरा ये इंडिकेटर है मैंने स्टॉक इंडिकेटर लगा दिया, क्योंकि वो LED वाला इंडिकेटर मैं मेरा नेक्स्ट गाड़ी पे लगाऊंगा, और अगर इंस्टॉल होगा तो मैं देखूंगा उसके बाद मतलब। और इधर एक ऑक्सिलरी लैम्प था HJG का, वो चीज़ भी मैंने निकाल लिया, और कुछ स्टिकर वगैरह था। इधर मेरा नाम रहता था अनुपम, वो भी मैंने निकाल लिया, क्योंकि ये जो चीज़ है मेरा एक यू कैन से कि आइडेंटिटी है, तो वो चीज़ मैंने निकाल लिया, क्योंकि जब मैं ये गाड़ी दे रहा हूँ तो ये सब आइडेंटिटी भी नहीं रहना चाहिए इसके लिए। हालांकि KTM RC पे मैंने दिया था, बट वो जो ओनर है वो खुद से वो चीज़ निकल लिया था, बट इसमें मैं वो चीज़ नहीं कर रहा हूँ अभी। और इधर देखो थोड़ा सा स्क्रैच है, मतलब उतना कुछ नहीं है, और गाड़ी को अभी भी कोई भी देख के नहीं बोलेगा कि ये गाड़ी का मतलब 7.5 साल उम्र हो गया, कोई भी नहीं बोलेगा। मतलब जो ग्लॉसीनेस है, जो चीज़ है आप देखो, और इधर का भी एक ये नॉर्मल विंडशील नहीं है, ये बबल विंडशील है, ये एक इधर नॉर्मल विंडशील छोटा सा आता था, लेकिन मैंने चेंज करके ये लगाया। हालांकि ये चीज़ अभी फ्लिपकार्ट पे 400-500 रुपये में मिलता था, लेकिन जब मैंने लगाया था 2018 या 19 पे, नियरली 2000 के आसपास प्राइस देके मैंने ये चीज़ ख़रीदा था। और गाड़ी का जो माइलेज है अभी भी नियरली सिटी में 40+ दे देता है, और हाईवे में अगर ठीक से चलाओ तरीके से तो नियरली 45-50 के आसपास तो दे ही देता है। सो दिस इज़ द थिंग। ये एक मतलब लास्ट आखिरी वाला वीडियो है ये जिक्सर के साथ, जो मैं अभी ये गाड़ी सेल करने वाला हूँ। मतलब धूप हो रहा है, लेकिन हाँ चलो ठीक है। मतलब मैंने ये पहले वाला वीडियो पे भी बोला था, मतलब जब RC था तो जिक्सर चलाता था तो कोई दिक्कत नहीं आता था, बट जब RC सेल करने दिया उसके बाद जिक्सर में थोड़ा सा मतलब यू कैन से कि अंडर पावर फील होता था। सो यही एक वजह है, प्लस मुझको एक अच्छा सा डील मिल गया, जो मैंने गाड़ी लिया NS 200 लिया है, उसमें अच्छा सा एक डील मिल गया था, तो उसके लिए वो NS मैंने उठा लिया, तो उसके लिए मैंने ये जिक्सर को अभी मतलब सेल कर रहा हूँ। नहीं तो अभी उतना प्लान नहीं था, मतलब मेरा प्लान था नेक्स्ट ईयर 24 या 25 में मैं सेल करूँगा, मतलब छोड़ूंगा उस टाइम पे गाड़ी। मतलब अभी 35 चल रहा है, 40 या 45 तक मेरा मतलब मेरे जो है रनिंग एवरेजली पर साल में 5,000 से 6,000 किलोमीटर होता है, तो अगर मैं 25 में भी छाड़ता तो नियरली 45,000 के आसपास होता, 50,000 भी नहीं होता, बट चलो ठीक है, एक अच्छा सा डील मिल गया था एक पियोंट बाइक मतलब NS 200 पे, तो उसके लिए अभी ये मतलब मैं छोड़ रहा हूँ। और इसके नेक्स्ट वाला वीडियो में मैं वो गाड़ी दिखाऊंगा कैसे क्या है क्या नहीं, डिटेल्स जो जो चीज़ है। सो अगर आपको अच्छा लगता है तो स्टे ट्यून फॉर दैट थिंग। थैंक यू एक्सप्लोरर राइडर, साइनिंग ऑफ लास्ट बार के लिए ये जिक्सर। टाटा।